मेरी जिंदगी में आई नूर, थैंक यू सो मच। मेरे बिना तू फ्री हो गया? हाँ फ्री हो गया, अब ये वक्त तुम्हारा है, जैसे तुम कहो। थैंक यू। तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही थी, आई एम सॉरी, वो मुझे आइडिया ही नहीं हुआ, मीटिंग्स में इतना टाइम लग गया, लेट हो गए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे पता था आपकी मीटिंग्स में आप काफ़ी बिजी हैं, तो मैंने बापा और हारिस भाई को इन्फॉर्म कर दिया था और ये कह दिया था कि हम कल आ जाएंगे। अच्छा किया, मैं भी बहुत थक गया। वैसे अगर तुम उन्हें पार्टी में बुला लेती तो इंट्रोडक्शन भी हो जाता और मुलाकात भी। नहीं एहसान, ऑफिशियल डिनर पे मुझे फैमिली को इनवाइट करना मुनासिब नहीं लगा। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे, ऐसे मामला तुम बेहतर समझती हो। वैसे जिंदगी में लाइफ पार्टनर का होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत सा बोझ कम हो जाता है, इंसान खुद को बड़ा हल्का महसूस करने लगता है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। After a hectic day, इस तरह तुम्हारे साथ बैठना, बातें करना, such a good feeling। तुम मेरी जिंदगी में आई नूर, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू टू। पहले सोचा करती थी कि चांद सितारों तक पहुंचना कैसा होता है, अब जब मंजिल पा लिए तो अब ये सोचती हूँ कि चांद सितारों तक पहुंचने के बाद के ख्वाब क्या हो सकते हैं। आपने इतना सब कुछ दिया मुझे एहसान, इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार, इतनी अहमियत, समझ ही नहीं आता कि कोई ख्वाहिश अब बाकी रही भी है कि नहीं है। अब तो सिर्फ मैं हूं और तुम हो, हम दोनों ही एक दूसरे की ख्वाहिश हैं।